पंजाब के वजीर इत्तलात अब्दुल अलीम खान के दिफा में आ गए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अलीम खान का केस बेबुनियाद है, जल्द सुरखरू होकर वापस आएंगे। मेरे दफ्तर में आए थे 17 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन शामिल हुए थे पीटीआई में, मेरा उनसे रेगुलर रब्ता है। अभी आज से 4 दिन पहले वो यहीं पे मेरे दफ्तर में आए थे अलहमरा काउंसिल, और उनसे मुलाकात हुई थी। और इंशाल्लाह अलीम खान साहब ने जिस एहसन तरीके से अपनी मिनिस्ट्री को और अपने काम को निभाया था, उसको राजा बशारत साहब के ज़िम्मे काम लगाए, और इसी तरीके से बाकी भी पंजाब के हम सारे मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से जो है वो आगे हम बढ़ाएँ। अगर खुदा न खास्ता हमजा शहबाज साहब को पंजाब की पी एस सी का चेयरमैन बनाया गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फिर मुझे भी जो है वो मेंबर बनाया जाए पी एस सी का, ताकि फिर वहाँ पे खुल के जो है वो मुकाबला हो सके। और अगर किसी किस्म की कोई चोर बाजारी या चुतर चलाकी करने की कोशिश करें अपोजिशन लीडर, और अपने दौर की 10 साल की जो करप्शन हैं, बदयांतियाँ हैं और एम्बेजलमेंट्स हैं, उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, तो मैं वहाँ पर इंशाल्लाह इमरान खान का स्पाई।